जय जोहार संगवारी हो। आज के ब्लॉग है नाहवन के ब्लॉग हरे, ये है एजुकेशनल पर्पज से बनाए गए है। तो आज मैं जाता हूँ अपन जीजा जी के घर। मोर एक जन जीजा जी है, जीजा जी के जो पिताजी है ओकर स्वर्गवास हो गए है। रास्ता के पेड़ पूरा कटा थे, ये जितना हरियाली दिखा थे कुछ दिन में गायब होने वाला है। तो अभी हमन पहुंच चुके हैं जीजा जी के घर में। यहाँ पे मछली है और ये लड़का है, ये मोर भांचा हरे मछली के साथ खेला थे। शर्मा थोड़ा कैमरा के सामने में। ये जगह शरबत बना थे मेहमान मरबर, कबर की गर्मी बहुत ज्यादा है तो देख सकते हो यहाँ पे शरबत बटत भी है। और ये जो है सौंफ सुपारी वगैरह रखा है, ये जनरली छत्तीसगढ़ के परंपरा हरे ऐसे रखाए रहते। और यहाँ पे बैठे के व्यवस्था है। ये जगह जो है पुतला बना थे पेरा की, ए पुतला के ही पूजा होही तरिया में जहाँ पे महतारी मन अभी नहाए बढ़ जाही। घर में सब महतारी मन सकला है, अभी नहावन में जाने वाला है। सब महतारी मन नहावन भर जावा थे अपन चप्पल वगैरह ला पहन की। और यहाँ पे बाल्टी में खूब सारा दातून रखा है, ये सब दातून जो होते नहावन के कार्यक्रम में लगते हैं। और जो कुछ भी सामान लगते जैसे कि छेना में आगी ले गए थे, और जो है यदि जो है मटकी ले गए थे और झाड़ू ले गए थे। और देख सकते हो कितना लंबा लाइन लगे है। अब लाइन जो है भी इला क्रॉस नहीं करना रहा जब महतारी मन इसी रास्ता से रेंगते था। और ये तालाब भर, यही तालाब में जो है नहावन के कार्यक्रम हुआ थे। तालाब के एक पचरी में महतारी मन नहाते था, दूसरा तरफ जो है भाई मन है बे। और यहाँ पे देख सकते हो भजन कीर्तन भी हुआ थे। तालाब के किनारे पीपल पेड़ के नीचे बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। ए हरे जीजा जी के पिताजी जेकर स्वर्गवास हो है। और हमार जो है बिल्लू मामा भी आ चुके हैं और हमार दामाद जी भी आ चुके हैं, मतलब कि योगू के हस्बैंड। और ए बड़े पापा हरे एकरे समधिन हरे जेकर स्वर्गवास हो है। महतारी मन नहा के चल दिस, अब हम अल्लाह नहाना है और पूजा करना है। तो देखो यहाँ पे चावल वगैरह ला चढ़ाते और पानी देवाते। पहले दाल चावल ला चढ़ाते, फिर तिलक वगैरह लगाते और फिर 7 बार पानी देते। पानी देके बाद यहाँ पे शोक सभा होते और आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते। उसके बाद जो है घर के लिए प्रस्थान करते। घर आ चुके हैं, अब यहाँ पे पानी में पैर धोना है। अभी पूजा हुआ थे और जो पूजा करा थे जो खूब रोवा थे वह मोर दीदी हरे, ओकरे ससुर जी के देहांत हो है।
अभी सब जन तिलक कर थे। अभी दुनिया देने वाला है तो पत्ताला फोल्ड करके उसमें दूध वगैरह कुछ डाल के जो है सब जन नीचे एक पात्र में गिराते। अब एक पूर्ण विधि अच्छा से मतलब फिलहाल जानकारी नहीं है तो अपन वीडियो में देख के ही अच्छा से समझो। दुनिया दे के बाद अभी खांदी देवा थे, दूजन जो है लड़का मन बैठे होकर पीठ में जो है भात ला इसे लगाते, हल्दी लगाते। तो विधि आप मन बढ़िया से देखो। पानी पहले कौन हल्दी हल्दी लगा ही ना ये सब नेंग जो खोवत है और फिर बाजू में मांदी भात भी चला थे। मांदी भात ऐसने बैठा के ही खिला जाते। पुरसैया मन आके खुद जो है दाल चावल और जो भी बड़ा पूड़ी वगैरह थे सब चिल्ल देते, यहाँ तक कि हाथ भी वही मन धुलाते। यह मोर जीजा जी हरे जेकर स्वर्गवास वह ओकर सुपुत्र हरे। तो जीजा जी हा अस्थि विसर्जन के लिए गे रही से तो अभी ऐसे ता ओला नारियल वगैरह देवत है। ओकर बाद भी और कुछ पूजा होते जो कि पंडित जी करा थे। अभी सबजन हा विद्यालय के घर जावा थे तो जाएक बेरा सबजन हा प्रणाम करा थे और जो विदा देवत है तेहा लड्डू वगैरह भी देवत जाते और जय जोहार भी करा थे देख सकते हो। आज के वीडियो बस अतने दूर तक। आप मन भी प्रार्थना करूँ कि आत्माला शांति मिले। ओम शांति।